अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस अरूबा हेयर। फर्स्ट क्लास आज हमारी मैथ्स की है। सो मैथ से पहले हम अपना लास्ट होमवर्क टैली करेंगे, उसके बाद अपना न्यू वर्क स्टार्ट करेंगे जो है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम। सो पहले होमवर्क टैली करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। सो क्लास ओपन योर स्मार्ट मैथमेटिक्स बुक। स्मार्ट मैथमेटिक्स बुक ओपन करते हैं। सबसे पहले अपना लास्ट होमवर्क हम टैली कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या दिया था, उसके बाद अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 46 पे मैंने आपको होमवर्क दिया था। नंबर वन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था कि टू एप्पल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ फोर और यहाँ पर थ्री, क्योंकि यहाँ लिखा है टू फोर थ्री, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना था। देखिए यहाँ लिखा है टू, तो मैंने इस सर्कल में टू बनाए, ये है फोर, मैंने यहाँ फोर बनाए, यहाँ है फाइव, तो मैंने यहाँ पे फाइव बनाए हैं। तो आप लोगों ने भी एप्पल ज़रूर ड्रॉ करना है, विदाउट एप्पल्स आप लोगों का वर्क चेक नहीं होगा। जिस बच्चे ने सिर्फ ये सॉल्व किया होगा तो एप्पल्स नहीं बनाए होंगे, मैं उसका काम चेक नहीं करूँगी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में किस तरह ड्रॉ करना है। सो पेज नंबर 47 पर भी यही काम था, आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू था। थ्री एप्पल्स यहाँ बनाए मैंने, क्योंकि यहाँ थ्री लिखा है, देन अगेन थ्री, थ्री एप्पल्स बनाए मैंने, यहाँ वन है तो मैंने यहाँ वन बनाया है, और जब हमने सबको काउंट किया तो बना सेवन, एडिशन किया तो ऐड करने पे सेवन आंसर आया। यहाँ भी देखें थ्री फाइव सिक्स, थ्री बनाए मैंने, यहाँ फाइव एप्पल्स बनाए, यहाँ सिक्स बनाए हैं, इन सबको जब मैंने जमा किया तो 14 आंसर आया। आप लोग करके भी देख सकते हैं और आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा। एट टू फोर, एट एप्पल्स बनाए मैंने, यहाँ यहाँ टू और यहाँ पर फोर, इन सबको ऐड किया तो आंसर यहाँ भी 14 आया। तो ये दोनों पेजेस आपके आई होप होमवर्क के हो गए होंगे। नहीं समझ आए तो आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं और अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आज का अपना क्लास वर्क शुरू करते हैं। सो पेज नंबर 49 ओपन करें। आज हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, इससे पहले हम समझ जाते हैं व्हाट इज़ मीन बाय वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जांपल दी गई है हमें, एग्जांपल हम देखते हैं। अफशा हैज़ थ्री टॉयज़, अफशा के पास कितने टॉयज़ हैं, टॉयज़ मीन खिलौने, थ्री। हर सिस्टर हैज़ सिक्स टॉयज़, उसकी सिस्टर बहन के पास कितने हैं, सिक्स, छः हैं। कह रहे हैं अफशा के पास थ्री हैं, उसकी सिस्टर के पास सिक्स हैं। हाउ मैनी टॉयज़ डू दे हैव ऑल टुगेदर, पूछ रहे हैं दोनों के पास मिलाकर, ऑल टुगेदर मीन मिलाकर कितने टॉयज़ हुए, कितने खिलौने हुए। मतलब अफशा के तीन खिलौने आप काउंट करें और उसकी बहन के छः खिलौने आप काउंट करें, तो मिलाकर कितने होते हैं। जिस तरह यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई टॉयज़ की, ये है तीन अफशा के और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है सिक्स उसकी बहन के। तो इनको जब हमने जमा किया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना लिया, अफशा हैज़ थ्री टॉयज़, हर सिस्टर हैज़ सिक्स टॉयज़। तो हमें यू भी काउंट करने से पता चल रहा है कि ये कितने हमें टोटल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ भी देखें इस तरीके से, सबसे पहले थ्री टॉयज़ है तो हमने थ्री को लिखा, उसके बाद सिक्स है हमने सिक्स लिखा, थ्री एंड सिक्स को जो हमने काउंट किया, ऐड किया हमने, तो आंसर नाइन आया। यू भी अगर हम ऐड करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, प्लस का साइन है सेंटर में, ऐड किया है हमने, तो आंसर हमारे पास क्या आया, ऑल टुगेदर दे हैव नाइन टॉयज़, मिलाकर उन दोनों के कितने टॉयज़ बन गए, नाइन। तो वर्ड प्रॉब्लम इसी को कहते हैं कि एक स्टेटमेंट दी जाती है आपको थ्री टू फोर लाइंस की, उसमें सवाल पूछा जाता है, आपने फिर उसका आंसर देना होता है एडिशन में, ठीक है। अगर एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम है तो ऐड करने होंगे, सब्ट्रैक्शन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं अपना वर्क, एक्सरसाइज वन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट राइट करते हैं, डेट राइट करते हैं 21/7/2020, क्लास वर्क। सो क्लास देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज क्या दी गई है, सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब क्या दिया गया है इस वर्ड प्रॉब्लम में, मुनीर गेट्स 5 points इन द फर्स्ट रेस, फर्स्ट रेस में मुनीर ने कितने पॉइंट्स लिए हैं, कितने पॉइंट्स गेट किए हैं, 5। ही गेट्स 9 points इन द सेकेंड रेस, सेकेंड रेस में उसने कितने पॉइंट्स ले लिए, 9।
फर्स्ट रेस में उसने लिए 5, सेकंड में उसने लिए 9. हाउ मैनी पॉइंट्स डज ही स्कोर इन टोटल? कह रहे टोटल इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जमा करने के बाद उसने कितने स्कोर हासिल किए, कितने स्कोर गेट किए इसने. अब देखिए यहाँ लिखा है पॉइंट स्कोर्ड इन फर्स्ट रेस. फर्स्ट रेस में उसने कितने पॉइंट स्कोर किए, यहाँ लिखा है ना फर्स्ट रेस, कितने पॉइंट स्कोर किए, 5. तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले से लिखा है पॉइंट स्कोर्ड इन फर्स्ट रेस, आप लिखेंगे 5. ठीक है, 5 ही लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर. और सेकंड लिखा है पॉइंट स्कोर्ड इन सेकंड रेस, सेकंड रेस में कितने हैं, 9. ओके, 5 और 9 लिख लिया. अब इस तरफ देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 5 और 9, मतलब 5 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने रन, टोटल कितने स्कोर उसने किए मुनीर ने. देन 5 और 9 को हम प्लस करते हैं, 5 हमारे माइंड में है, 9 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 के बाद अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, तो 1 हम इधर लिखेंगे और 4 इधर, 1 4 14, तो हमारा आंसर है 14. तो लास्ट लाइन लिखी है मुनीर स्कोर्ड डैश पॉइंट्स ऑल टुगेदर, तो यहाँ हम लिख देंगे 14. 14 पॉइंट्स उसने लिए ना, तो हम लिख देंगे 14. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारा डन हुआ. अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, सेकंड देखते हैं. पेज नंबर 50 ओपन करें सब. सबसे पहले टॉप पे डेट राइट कर लेते हैं. CW, ओके. तो पढ़ते हैं नंबर बी. साद हैज 12 इरेजर्स. साद के पास 12 इरेजर्स हैं, 12 इरेजर हैं. अली हैज 12 इरेजर्स. अली के पास भी 12 इरेजर्स हैं. साद के पास कह रहे हैं 12 इरेजर्स हैं, अली के पास भी 12 इरेजर्स हैं. हाउ मैनी इरेजर्स डू दे हैव ऑल टुगेदर. कह रहे हैं इन दोनों के पास ऑल टुगेदर में मिलाकर कितनी इरेजर्स हुई. अब नीचे ज़रा ये बॉक्स बना है, इसमें इरेजर्स देखें, पिक्चर बनाई गई हैं कि कितनी इरेजर हैं. काउंट करते हैं हम ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 इरेजर हो गई साथ की. अब देखते हैं ये कितनी इरेजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और ये 12 हो गई अली की. सात एंड अली की 12 इरेजर हैं. सेंटर में लिखा है कौन सा साइन नज़र आ रहा है, प्लस, मीन एडिशन करना है आपने, ऐड करना है. 12 और 12 कितने होते हैं, पहले हम यहाँ डेटा सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को ये दोबारा ऐड करवाती हूँ. लिखा है सात हैज़ डैश इरेजर्स. सात के पास कितने इरेजर्स हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है 12, हम यहाँ लिख देंगे 12. फिर लिखा है अली हैज़ डैश इरेजर्स. अली के पास कितनी हैं, 12, हम यहाँ लिख देंगे 12. अब यहाँ पर देखें, 1 2 12 1 2 12. सात के पास 12 हैं, अली के पास 12 हैं, दोनों की इरेजर्स यहाँ लिख दी हमने. और यहाँ देखें आप लोग का यू टी लिखा होगा. ठीक है, तो अब सिंपल है, हम यहाँ ऐड कर देते हैं इनको. 2 और 2 कितने होते हैं, मुझे लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है 2 और 2 कितने होते हैं, 4. आप लोग को भी तो ईजी ये पता होगा, 1 और 1 2. तो आंसर हमारे पास 24 आया. अगर हम रेजर्स को भी काउंट कर लें तो भी देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास. रेजर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. तो देखें ये भी 24 आए हमारे पास और यहाँ भी आंसर 24 है. तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो है दे हैव, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इरेजर्स ऑल टुगेदर. तो कितनी इरेजर्स हैं, 24. उन दोनों की इरेजर्स को मिलाकर 24 इरेजर्स हैं. नंबर सी, सना हैड 14 स्वीट्स. सना के पास 14 स्वीट्स हैं. स्वीट्स में आप यहाँ पर मिठाई ले लें या कोई भी मीठी चीज़ ले लें. ठीक है, सारा गेव हर, सारा ने उसे दिए 10 मोर, 10 और दिए. सना के पास पहले से 14 स्वीट्स मौजूद थी, सारा ने 10 और दे दी उसे.
हाउ मैनी स्वीट्स डज सना हैव ऑल टुगेदर, कह रहे हैं सना के पास अब कितनी स्वीट्स हुई मिलाकर। सना के पास तो पहले से 14 थी, सारा ने 10 और दे दी। तो सबसे पहले यहाँ फिल करते हैं, सना हैज डैश स्वीट्स, सना के पास कितनी स्वीट्स थी, ऊपर लिखा है 14, तो यहाँ आप लिखेंगे 14। सारा गेव हर, सारा ने उसे दिए कितनी, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। ओके, अब यहाँ पर देखें UNT लिखा है, उसके पास पहले 14 थी, हमने लिख दिया 1 for 14, और सारा ने 10 दी उसको, 1 0 10। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 4 and 0 को ऐड करेंगे तो 4 लाइंस मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत इजी है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो अकेला होता है तो 0 ही रहता है, 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट 4 ही आ जाएगा आंसर, 1 and 1 2। ओके, तो आंसर यहाँ हुआ 24। तो आंसर हम लिखेंगे सना हैज डैश ऑल टुगेदर, तो हम लिखेंगे सना हैव 24। अब देखें यहाँ पर स्वीट्स नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ स्वीट्स भी लिखूंगी, SWEETS, स्वीट्स ऑल टुगेदर, सना हैज 24 स्वीट्स ऑल टुगेदर। अगर आप लोग का राइट है स्वीट्स, तो आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लास, अब नेक्स्ट पेज में आ जाएं, यहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम है, पेज नंबर 51, यहाँ पर भी डेट राइट कर लें, CW। और क्लास आप लोगों ने ये समझ के करना है। ओके, नंबर डी है, देयर आर 17 कपकेक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 17 कपकेक्स हैं, एंड 12 कपकेक्स इनसाइड द ओवन, और 12 और जो हैं, मज़ीद 12 और जो हैं वो ओवन के अंदर हैं, बेक होने के लिए रखे हुए हैं। हाउ मैनी कप केक्स आर देयर ऑल टुगेदर, कितने कप केक्स मिलाकर हो गए, 17 कप केक्स जो हैं वो टेबल पे रखे हैं, मीन्स जो बन चुके हैं, और 12 जो हैं वो ओवन में हैं बेक करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं पहले क्या पूछा गया है, डैश कप केक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कितने हैं, 17, यहाँ आप लिख देंगे 17, डैश कप केक्स इन द ओवन 12, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 7 एंड ये देखे 17 लिखा है, 17 कप केक्स टेबल पर हैं, और 1 to 12 ओवन में, 7 and 2 7 अपने माइंड में रखेंगे, 2 यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूँगी, 7 के बाद 8 9, यहाँ मैंने लिख दिया 9, 1 and 1 2, यहाँ मैंने लिख दिया 2, तो आंसर आया हमारे पास 29। यहाँ लिखेंगे ऑल टुगेदर डैश कप केक्स, कितने कप केक्स हैं, 29। ओके, नंबर ई पर आते हैं, अनीता हैज़ 34 ब्लू बॉल्स एंड 29 रेड बॉल्स, अनीता के पास 34 हैं ब्लू कलर की बॉल्स और 29 हैं लाल कलर की बॉल्स, ठीक है, लाल और ब्लू कलर की इनके पास 2 कलर में बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स हैज़ शी इन टोटल, टोटल कितनी हैं, देखें एंड में आ रहा है टोटल एंड ऑल टुगेदर, ये जब दो आते हैं इट मीन्स प्लस करते हैं, हम ऐड करते हैं। सो देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है 34 के पास बॉल्स थी ब्लू कलर की, ऊपर लिखा है और 29 रेड कलर की थी, तो डायरेक्ट 3 4 34 एंड 29 लिख दिया, अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, 4 अपने माइंड में रखेंगे, 9 लाइंस ड्रॉ कर लें, या फिर आप लोग फिंगर्स भी कर सकते हैं, 9 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद काउंटिंग में करती हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 नीचे और 1 ऊपर, 3 and 1 4 5 6, तो आंसर आ गया 63। अनीता हैज 63 बॉल्स ऑल टुगेदर, समझ आई आपको। नंबर एफ, मदर मेड 29 बिस्किट्स, मदर ने बनाए 29 बिस्किट्स, हर सिस्टर मेड 25 बिस्किट्स, और उसकी सिस्टर ने बनाए 25 बिस्किट्स, हाउ मैनी बिस्किट्स डिड दे मेक ऑल टुगेदर, अब बताएं मिलाकर उन दोनों ने कितने बिस्किट्स बनाए, 29 बिस्किट मदर ने बनाए और उनकी सिस्टर ने 25 बनाए, अब इन दोनों को हम जमा करेंगे, तो जमा करने के लिए इजी तरीका हमारे पास यही है,
हम इस तरीके से इन दोनों को उतार लें वैल्यूज़ को. 29 मदर ने बनाए, 25 उनकी सिस्टर ने. अब काउंट करते हैं, 9 रखेंगे अपने माइंड में हम, 5, 1, 2, 3, 4, 5. तो 9 हमारे माइंड में था, 9 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14. 4 नीचे और 1 ऊपर, कैरी जाएगा. 2 and 1, 3. 3 में 2 प्लस किए, 5, 54. दे मैड, दे यूज़ होगा उन दोनों के लिए, ठीक है. जब ज़्यादा होते हैं तो हम, एक से ज़्यादा होते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं. दे मैड डैश बिस्किट्स ऑल टुगेदर, कितने बिस्किट्स बनाए, 54. ओके, सो ये हमारे आज के वर्ड प्रॉब्लम डन हुए, हमने जो वर्ड प्रॉब्लम किए हैं. आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे. आप लोगों ने अच्छे से समझ के करने हैं, क्योंकि पेपर में भी ये वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे, तो आप लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम आने चाहिए. जो टू वैल्यूज़ दी जाती हैं, इन टू वैल्यूज़ को किस तरीके से आपने टेंस और यूनिट में रख के प्लस करने हैं, आप लोग को आने चाहिए ये. तो आज का हमारा क्लास वर्क यहाँ डन हो गया, बुक को क्लोज़ कर लें. सो क्लास, आई होप आप लोगों ने अच्छे से होमवर्क टैली कर लिया होगा. जो वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने आपको समझाए हैं, पेजेस में हमने काम किया है, आपको समझ आए होंगे. तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, ताकि आप लोग को ये भूले ना कि किस पैटर्न से करना है. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफिज़.